नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। भाई आज आप लोगों को ना इस वीडियो में एक फरारी कंपनी का ट्रैक्टर दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो कि ये फरारी जो ये कंपनी है, इसका कार वाली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये है एक अलग कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने यही बताया कार निर्माता जो कंपनी है, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी जो फरारी है, इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इस कंपनी के बारे में हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को, पूरा ट्रैक्टर दिखाऊंगा आप लोगों को, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते थे, क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं दी गई हैं, आज के टाइम इंडिया के अंदर ये कैसे लॉन्च हुआ था ये ट्रैक्टर, तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे पहले हम बात करें भाई, फरारी है ना, ओ इटली की फरारी कृषि यांत्रिक यंत्र कंपनी थी, जो कि इन्होंने ना पहले जो ट्रैक्टर बनाया था फरारी के द्वारा निर्मित था MC57, और ये कंपनी 1954 से अपना काम कर रही है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम कर रही है ये कंपनी, जो कि जो मेन कार निर्माता कंपनी, उसका और इसका कोई लिंक नहीं है आपस में, एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं इनका, क्योंकि ये एक कार निर्माता कंपनी। क्योंकि उस टाइम पे ना क्या होता था भाई, 1950 से 1957 के आसपास में जो इंडिया में जो US वगैरह में ना जो पावर वीडर वगैरह जो होते ना, उस टाइप के पैदल चलने वाले यात्री से चलने वाले वो ट्रैक्टर ज़्यादा प्रसिद्ध थे वहाँ पे। तो इस कंपनी ने 1900 फिर जैसे धीरे धीरे चल के 1957 में जैसे फर्नांडिड जो इसके ओनर थे, फर्नांडो फेरारी, जो इस नाम की प्रसिद्ध कार कंपनी से जुड़े नहीं थे, कार कंपनी कुछ नहीं जुड़े, 1957 में पहले से ही दो पहिया गार्डन ट्रैक्टर बना रहे हैं थे। 1957 से ना पहले दो ट्रैक्टर दो पहिया ट्रैक्टर जैसे पावर वीडर टाइप में बना रहे थे, और 1960 के दशक में शुरुआत में ट्रैक्टर में के लिए में एक बोगी सीट जोड़ी गई थी, जो कि जो आजकल जो पावर वीडर के पीछे जो बैठ के चलाने का पावर वीडर सीट आता है, तो वो चीज़ें 1957 में 60 में इन्होंने फरारी कंपनी ने अपना बना दिया था। और जैसे इनमें ना काफ़ी फेमस रहे ट्रैक्टर इनके US में, जो कि 4 पहिया फरारी 74 1970 के दशक के मध्य में प्रचलित हुआ था, फरारी 74 1970 में इनके मध्य में इन्होंने प्रचलित निकाल दिया, जो कि 75 RS बाद में ना 75 RS 30W SDTI के नाम से चला था। 4 समानाकार पहियों के साथ में, जैसे 4 पहिये 4-wheel drive, एक साइज के 4 टायर, और जो इसका आर्टिकुलेटेड 75 RS है, जो 31 HP में एयर कूल्ड इंजन के साथ में आया था, एक साथ जैसे फॉरवर्ड 7 गियर फॉरवर्ड और 3 गियर रिवर्स बॉक्स के साथ में, और एक डिफ लॉक शामिल है 30 HP में, जो कि कूल्ड इंजन के साथ वाटर कूल्ड इंजन के साथ में गियर बॉक्स के साथ में 1912 फॉरवर्ड और 6 रिवर्स अनुपात के साथ में 1980 के दशक में शुरुआत करी थी। तो इनमें 4 पहिया ड्राइवर फरारी हैं, जो कि 95, 85 और 75 ट्रैक्टर हैं जो शामिल थे, जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं 34 HP तक, 34 HP 33 HP में जैसे 3 सिलेंडर और 2 सिलेंडर 2 इंजन आते हैं इनके। तो ओल्ड फरारी जो UK की कंपनी है 1990 के दशक में की शुरुआत में पैदल यात्री नियंत्रित उद्यान ट्रैक्टर 4 पहिया ड्राइवर ट्रैक्टर और राइड जॉन लॉन मोवर बेच रहा था, जो कि धीरे धीरे जैसे कुल मिला के बात करें भाई, इसमें जैसे काफ़ी प्रकार के जैसे मॉडल है ट्रैक्टरों के कंपनियों के, जो इसमें जैसे बात करें ना इसकी, जैसे ये ट्रैक्टर आपको दिख रहा है तो इसमें ना जैसे ये ट्रैक्टर जैसे आप देखोगे तो ये बीच में से मुड़ने वाला ट्रैक्टर है, जो कि बीच से मुड़ता ही है, इनका तो स्टेयरिंग और बीच में है। ये 3 प्रकार के ट्रैक्टर होते थे, एक तो RS होता था, एक AR होता था और एक DS ड्यूल स्टर, यानी कि जो RS मॉडल था ना वो ट्रैक्टर, RS मॉडल का क्या होता है, जो ये ट्रैक्टर है अगले टायरों से, जो आप आम ट्रैक्टर जो आप देखते हो वो अगले टायरों से मुड़ते हैं, वो ट्रैक्टर होते थे। और जो AR होते थे वो ट्रैक्टर क्या होते थे, जो सिर्फ बीच में, जैसे ये मॉडल है जो AR मॉडल है, ये सिर्फ यहाँ बीच से मुड़ता है, ये ट्रैक्टर बीच में से अपना साइड निकल जाता है, ऐसे मुड़ता है ट्रैक्टर, जैसे अपना आप देखते हो ना सोइल कॉम्पैक्टर मुड़ता है वैसे, या फिर हाइड्रा क्रेन होती है जैसे वो मुड़ती है पावर स्टीयरिंग, वैसे मुड़ता है। और एक इसके अंदर है ना DS आता था, ड्यूल स्टेयर, जो कि डबल स्टेयरिंग कह सकते हैं जिसको ट्रैक्टर के साथ में, उसमें क्या होता था, एक तो ये ट्रैक्टर बीच से मुड़ता था और दूसरा यहाँ जो अपना अगला फ्रंट व्हील था अगले टायर भी मुड़ते थे और बीच में से मुड़ता था, जो कि ना बहुत कम एरिया के अंदर वो ट्रैक्टर मुड़ जाता था ट्रैक्टर, उसकी खास बात ये होती थी। तो ये 3 प्रकार के मॉडलों में आते थे ये ट्रैक्टर, और जैसे इंडिया में है ना ये ट्रैक्टर अभी 2011-12 में एस्कॉर्ट कंपनी के साथ मिलकर कंपनी ने लॉन्च किए थे काफ़ी ये ट्रैक्टर, इस टाइप के ट्रैक्टर। लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इनका ट्रैक्टर जो ना चलने का कारण, जो छोटा मोटा जो एक समझ में आया है कि भी जैसे ये ट्रैक्टर ना हाई प्राइस थे थोड़े से उस टाइम के हिसाब से, इंडिया में इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, जो क्योंकि इनका जो 36-35 36 HP का ट्रैक्टर था वो 8 लाख के करीब का था,
तो इंडिया में इतना जैसे महंगा अफोर्ड करना थोड़ा उस टाइम पर हो सकता है, ना भी हो अवेलेबल। तो जैसे हम बात करें, ये ट्रैक्टर ना कुबोटा इंजन के साथ में था, 4 सिलेंडर इंजन के साथ में, 1498 cc के साथ में, और टायर 3A के साथ में आता था। और जो इसकी मैक्सिमम HP थी वो 35.6 HP यानी कि 36 HP की कैटेगरी में आता था ट्रैक्टर। और जो मैक्सिमम जो टॉर्क पैदा करता था ना ये 96.5 Nm, 2200 RPM पे ट्रैक्टर अपना टॉर्क पैदा कर देता था। और जो स्टेयरिंग इंडियस OS फार्म जो कि स्टेयरिंग बताया था इसका, शायद RS था मोटर, ध्यान बीच में से मुड़ने वाला ट्रैक्टर है ये। और ड्राइवर है जो इसका 4-व्हील ड्राइव साथ में है, और ट्रांसमिशन इसका है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर, ड्राई सिंगल प्लेट क्लच प्लेट के साथ मारता है ट्रैक्टर। और जो जो इसके PTO RPM है 540 RPM है, सिंक्रोनाइज्ड विद फॉरवर्डिंग स्पीड के साथ में, और हाइड्रोलिक सिस्टम है जो इसका वो 16 पॉइंट अनुमान प्रेशर हो गया, ये अपना रियर कंट्रोल वॉल्व हो गए, रियर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रियर लीफ, ड्राइविंग प्लेटफॉर्म, सर्विस ब्रेकिंग, सेफ्टी। तो कि अपना जैसे और इसमें अपना बात करें हमने ट्रैक्टर में, इसमें जो लिफ्ट कैपेसिटी वगैरह जो नहीं दे रखा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 4 सिलेंडर अपना ट्रैक्टर था ये। और इसमें है ना जैसे ड्राइवर यहाँ बैठता था, आजकल आप देखोगे चलो वो चीज़ नहीं बताते, तो अपना जैसे ड्राइवर यहाँ बैठता था अपना, साथ में स्टेयरिंग हो गया, और साथ में ना यहाँ पे मीटर होते थे इसके अपने, जैसे ये अपना इधर अलग अलग मीटर हो गया दो, और ये इधर अपना RPM मीटर हो गया, हावर मीटर हो गया, और यहाँ पे ये लीवर दे दिया जिससे ये है ना अपना फॉरवर्ड, ये अपना लाइट लुइट का सिस्टम है जो शायद मेरे को लग रहा है। और ये गियर देखोगे आप इसका, जैसे 8+4 के साथ में आता था ये, 1, 2 रिवर्स, जैसे सिंक्रोमाइज गियर बॉक्स के साथ में आता है ट्रैक्टर। तो यहाँ पे स्पीड रही इसकी, आप अपनी स्पीड ले सकते हो अपने काम के अनुसार ट्रैक्टर की, जैसे आप चाहो वैसे। ये गियर लीवर हो गया यहाँ पे, ये अपना गियर लगा के उसके हिसाब से उसी गियर में आके उसी गियर में पीछे चलेगा ये। और जो ट्रैक्टर मुड़ने का जो तरीका था इसका, विधि है वो यहाँ पे, एक बार लाइट निकालता हूँ। यहाँ पे ना इस ट्रैक्टर में क्या होता था कि आपको है ना, ये देखो यहाँ पर आप देखो ना अंदर ये हाइड्रोलिक जैक भी है इसमें, ये सामने हाइड्रोलिक जैक है, और साथ में एक रोड है जो अगले टायरों को चाल दे रही है। और इस ट्रैक्टर में जो ये प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, ये प्लेट लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो इस प्लेट को, तो यहाँ पर फ्यूज बॉक्स है, डैशबोर्ड वगैरह है, और जो ये बीच में गैप है ना, यहाँ से ट्रैक्टर मुड़ता था, यहाँ पर इसमें डीजल टैंक दे दिया और अगले टायरों पर मुड़ गार्ड लगा दिया। ये 4-व्हील ड्राइव के साथ में जैसे ना काफ़ी हद पावर लगाते थे, जैसे कई बार ये ट्रैक्टर इन ट्रैक्टर ज़्यादातर यूज़ जो होता था, जैसे अपना गार्डनिंग ट्रैक्टर है इस टाइप की जगह, इन ट्रैक्टरों को हम यूज़ कर सकते थे आराम से छोटे उसमें, और काफ़ी अच्छे दिखा। और इसकी लिफ्ट देखोगे ना आप, लिफ्ट जैसे यहाँ मुड़ गार्ड में पत्ती लगाने ताकि मिट्टी वगैरह ऊपर तक ना पहुँचे, और लिफ्ट की जो चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, और जो लिफ्ट आर्म के साथ में ना यहाँ पर जैक लगे हैं, ये देखो हाइड्रोलिक है ना, जैक लगे हुए इस ट्रैक्टर में ताकि ट्रैक्टर ना ज़्यादा ज़्यादा पावर उठा सके। 2 लिंकेज सेंसिंग के साथ में आता था, पॉइंट लिंकेज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, और ये सिंगल जैसे आप कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट जैसे ट्रॉली वगैरह इस पर चला सकते थे। और ये अपना सेफ्टी हो गया, ROP कुछ बोलते थे वो रोप, और हिच ऑप्शनल 6 प्लाइन का वीडियो हो गया, हिच काफ़ी नीचे दे रखे इसका अपना एडजस्टमेंट करने के लिए। और जो टायर साइज है ना इसका, जो पिछले चारों टायर साइज सेम है इसके, 260/75R16 के टायर साइज के साथ में आता था, रेडियल टायर साइज के साथ में। और यहाँ पर ये लीवर दिए हैं इसके अपना लिफ्ट वगैरह ऊपर उठ नीचे गिराने के लिए अपना, और ऑप्शन दे दिया, सीट है तो एडजस्टेबल, और वेट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपने, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग इसकी सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये अपना PTO लीवर दे दिया, और ये क्लच होगी इधर, और इस साइड ये अपना सिंगल पेडल ब्रेक दे दिया, ये हैंड ब्रेक दे दिए, और ये अपना पैर वाली रेस दे दी। और भी जैसे डिफरेंस लॉक भी है इसके अंदर, ये डिफरेंशियल लॉक भी है इसमें। और पूरा ट्रैक्टर जैसे डिज़ाइन के मामले में और हर चीज़ के मामले, जैसे इंडिया में ना काफ़ी ये ट्रैक्टर जैसे इंडिया ने कंपनी लॉन्च करने की कोशिश करी, लॉन्च किए थे, लेकिन हाई प्राइस होने के कारण ट्रैक्टर इंडिया में सेल नहीं हो पाए, किसान इनकी तरफ नहीं जा पाए उस टाइम पे, क्योंकि 2011-12 में इनका ट्रैक्टर जैसे 35 HP ट्रैक्टर 8 लाख रुपये का होता था, तो उस टाइम पर जब अपना 8 लाख रुपये में तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर 75 HP के लगभग ट्रैक्टर आ सकते थे जितना मेरे को लग रहा है। ये साथ में काम बाकी कंपनी जैसे अपना जैसा नाम है वैसा काम भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं, ट्रैक्टर में कोई ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ रखी डिजाइनिंग को लेके। आगे देखो ये अपना लैंप वगैरह, आजकल फार्म ट्रैक में काफ़ी देखने को मिलते हैं ट्रैक्टर फरारी ब्रांडिंग के साथ में, ये अपना फरारी लोगो हो गया आगे, और यहाँ पे लिख रखे हैं मेड इन इटली, क्योंकि ये इटली की कंपनी है, फरारी कंपनी जो है वो इटली कंपनी है। ये K40 AR ट्रैक्टर है,
ये जैसे गार्डनिंग वार्डनिंग में जो इसका जो अपना डीएस जो मॉडल आता था ना, ड्यूल स्टेयरिंग, जिसका हम ड्यूल स्टेयरिंग बोल देते थे, वो ड्यूल स्टेयरिंग क्या होता था, बहुत ही कम एरिया में मुड़ जाता था। जैसे हम बाग बूग में चलाते हैं ट्रैक्टर को, तो उसका बड़ा मजा आता था इन चीज़ों में। ये खास बात थी इनकी, कुबोटा इंजन के साथ में ट्रैक्टर आते सारे के सारे, जो कि अपना क्रैंक के साथ में जो चलता ना अपना जो पंप वगैरह है इसका, जो क्रैंक के साथ में चलता अपना पूरा जो पंप है वो आप देखोगे, आप क्रैंक के साथ में चलता है इसका। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ से इनलाइन पंप है, ये चार सिलेंडर अपना जो कुबोटा का था सेम वही डिज़ाइन। यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप दे दिया, पावर स्टीयरिंग पंप, हाइड्रोलिक पंप सारा इसी में काम हो गया। चार सिलेंडर अपना जो ट्रिम 3 का इंजन है, जो कि 2010-11 में इंडिया में जैसे अपना ट्रिम 3 अलाउड थी, अब ट्रिम 4 गई है गवर्नमेंट ने 50 HP और 50 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टरों में। तो ये चीज़ थी इसकी जो मेन आप लोगों को मैं बताना चाहता था। और छोटी छोटी सिंगल पीस बोनट में होता ट्रैक्टर इसके, जैसे मैंने बताया आपको तीन डिज़ाइन होते थे मोड़ने के लिए, जो कि अपना ए आर जो कि बीच से मुड़ता था, जो ये मॉडल है ए आर मॉडल है जो सिर्फ बीच से ही मुड़ता था, और जो डी एस मॉडल और ड्यूल जो कि अगले टायरों में भी कटाई थी और बीच में से मुड़ता था वो दोनों से, जो कि टर्निंग रेडियस बहुत कम है, और एक आर एस होता जो अगले टायरों में इसकी वो होती थी घुमाव होता था, साइलेंसर आगे होता था, वेट वगैरह कंपनी जैसे के अंदर इनबिल्ट कर रखे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, ये कंपनी फरारी जो ट्रैक्टर कंपनी ने है, ये एकदम कार कंपनी से इसका कोई लेन देन नहीं है, इटली कंपनी, बाद में सेल हो गई यूएस वगैरह में भी, जो फिलहाल आज भी ये कंपनी रनिंग में है, ऐसा नहीं भाई आज ये कंपनी बंद हो गई, आज भी ये कंपनी अपने ट्रैक्टर सेल कर रही है, बना रही है, बेच रही है इसी प्रकार के मॉडल, और भी अलग अलग प्रकार के मॉडल ये कंपनी अपने बेच रही है। यहाँ पर ही अपना मैक्सिमम रेस हो गया, हाथ वाली रेस दे दी इन्होंने, और इसमें साथ में गियर चार्ट भी लगा हुआ है ताकि कौन से गियर में कितनी स्पीड मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चाबी उसके साथ में कवर दिया है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए ऑप्शन दे दिया, तो हर सुविधा दे रखी है छोटे ही ट्रैक्टर में, सारी सुविधाएं हैं। आज के टाइम आप देखोगे ना, एटम ट्रैक्टर जो अपना स्कॉट कंपनी का आया हुआ लगभग, एटम ठीक है वो अपना एक अलग लोग, तो ऐसी सुविधाएं एटम ट्रैक्टर में भी मिल जाती हैं आप लोगों को देखने को, एस्कॉर्ट कंपनी जो एटम ट्रैक्टर है तो उसमें भी ऐसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया ये चीज़ बताना चाह रहा था, एकदम रेयर चीज़ है ये, बहुत कम है एस्कॉर्ट कंपनी साथ में, इस कंपनी ने जैसे फरारी कंपनी ने 2011-12 में ये ट्रैक्टर इंडिया के अंदर लॉन्च किए थे, लेकिन हाई प्राइस होने के कारण ये किसानों ने नहीं खरीदे। तो भाई यही दिखाना चाह रहा, बताना चाह रहा, जैसी वीडियो लो कमेंट करें जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।